आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी सी क्रैब करी की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विलेज स्टाइल क्रैब करी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। बहुत ही सिंपल सामान लगेंगे इसमें। इस रेसिपी को जानने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। विलेज स्टाइल क्रैब करी के लिए मैंने यहाँ पर क्रैब्स ले लिया है, जो कि मीडियम साइज के क्रैब हैं, जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसे अभी पहले फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि गांव में हमेशा सरसों के तेल में ही खाना बनता है। यहाँ पर एक चम्मच मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इसे गर्म कर लिया है। इसमें अभी ऐड कर लेंगे क्रैब्स। इसमें अभी ऐड करेंगे नमक एक चम्मच, हल्दी डाल देंगे एक चम्मच, और इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। क्रैब को अच्छे से लाल लाल करके हमें फ्राई करना है। क्रैब को फ्राई करने के लिए आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। जितने अच्छे से क्रैब फ्राई होंगे, उतना ही टेस्टी हमारी करी बनेगी। देखिए, ऐसे ही उलट पुलट करके हमें फ्राई करना है। यहाँ पर क्रैब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू, यहाँ पर थोड़े से अरबी लिए हैं, जिसे हम पहले फ्राई कर लेंगे। ये क्रैब करी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कढ़ाई गरम है, इसमें अभी तेल डाल देंगे लगभग एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच। तेल यहाँ पर अच्छा गरम हो रहा है, यहाँ पर तेल अच्छा गरम हो गया है। अब इसमें आलू और अरबी डाल देंगे। यहाँ पर लगभग मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, और 4 से 5 अरबी लेकर उसको भी ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। अरबी और क्रैब का कॉम्बिनेशन बहुत ही क्लासिक लगता है। इसे अभी हमें लाल करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने के लिए, और बहुत अच्छे से अब आपको इसे फ्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अच्छे से आलू भी फ्राई हो गए हैं, अरबी भी फ्राई हो गए हैं। ऐसा ही फ्राई करना है आपको भी। इसे अभी निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। यहाँ पर क्रैब भी फ्राई हो गए हैं और अरबी और आलू भी फ्राई हो गए हैं। चलिए देखते हैं और मसाले में क्या जाएगा। यहाँ पर मैंने मसाला बना लिया है, जो कि सिलबट्टे पे मैंने पीसा है। यहाँ पर 2 प्याज मीडियम साइज के लिए हैं। यहाँ पर एक पेस्ट बनाया है, जिसे मैंने 2 इंच के अदरक लेकर और 1 पूरा लहसुन और 2 बड़ा चम्मच जीरे के साथ मैंने इसे पेस्ट बना लिया है। आपके पास अगर सिलबट्टा ना हो तो आप ग्राइंडर में भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा साइज का टमाटर। चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में तेल है, इसमें अभी ऐड कर लेंगे 2 चम्मच और सरसों का तेल। तेल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है। इसमें अभी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चीनी। इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर चीनी लाल हो गया है, इसमें अभी ये ग्रेटेड प्याज डाल देंगे। ग्रेटेड नहीं, बटा हुआ प्याज इसे डाल देंगे। इसको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, एकदम लाल लाल करके अच्छे से हमें इसे भूनना है। प्याज को जल्दी भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, जस्ट हल्का सा ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी नमक फ्राई करते हुए, क्रैब फ्राई करते हुए डाला था, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को भूनने के लिए डालेंगे, बाद में करी के लिए बाद में डालेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज लाल भी हो गया बातों ही बातों में। अब इसमें
लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, जो आप अपने स्वाद के हिसाब से बड़ा या कम आ सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि लाल मिर्च जले ना। लाल मिर्च को भी प्याज के साथ अच्छे से हमें पका लेना है। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, इसको भी अच्छे से हमें भूनना है प्याज के साथ। अभी इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी हम थोड़ी सी ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने क्राफ्ट फ्राई करते हुए भी हल्दी डाला था, इसीलिए यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच मैंने ऐड कर लिया है। टमाटर को थोड़ा नरम होने देंगे, उसके बाद अपना मसाला पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर टमाटर थोड़ा नरम होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अपना ये मसाला पेस्ट जो हमने बना के रखा था। मसाला थोड़ा ज़्यादा ही जाता है क्रैब करी में, तभी अच्छा लगता है। करी बनेगा इसीलिए मसाला थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। अब इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ढक देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। मसाला ऑलमोस्ट यहाँ पर पकना शुरू हो गया है, अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। मसाला तब तक पकाना है जब तक उसके ऊपर से तेल आ जाए, तभी बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही टेस्टी भी लगती है करी। इसमें अभी करी के लिए हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मसाले को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना फ्राइड आलू और अरबी और अपना फ्राई किया हुआ क्रैब्स भी। इन सबको भी मसाले के साथ हमें भून लेना है। एक बार इस मेथड से आप क्रैब करी बना के देखिए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार खाएंगे महीनों तक इसका स्वाद याद रखेंगे, इतना अच्छा बनता है ये क्रैब करी। आखिर गांव का याद दिलाता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने इसे मसाले को लटपटा कर लिया है क्रैब के साथ, आलू के साथ। अब इसे हम ढक देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि और अच्छे से ये पक जाए। लो फ्लेम करके हमें इसे ढक लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। वाव, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, अच्छे से भून भी गए हैं। देखिए कितना अच्छा भी दिख रहा है, लाजवाब खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी करी के लिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लगभग 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है। इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसे ढककर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि ये आलू अरबी और क्रैब्स अच्छे से पक ना जाए। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे, ग्रेवी के साथ मिलजुल जाएंगे और उसके बाद बहुत ही अच्छी लगेगी अपनी करी। यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारी विलेज स्टाइल क्रैब करी एकदम तैयार हो गई है। सब कुछ अच्छे से पक भी चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये रेसिपी। देखिए यहाँ पर आलू भी पक चुका है, बहुत ही अच्छी लग रही है। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसा लगा आपको।
चलिए अभी इसे प्लेटिंग करते हैं और इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ।